एसएसपी आगरा अमित पाठक गुरुवार दोपहर बसे जगने थाने के नवनिर्मित सुंदरीकरण भवन का उद्घाटन करने खेड़ागढ़ सर्किल के पुलिस पोस्ट के साथ पहुँचे। सबसे पहले उन्होंने भवन के सुंदरीकरण का उद्घाटन किया, इसके बाद वृक्षारोपण किया गया। थाना परिसर में बने मंदिर पर महावीर हनुमान की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित कर क्षेत्रीय विधायक महेश गोयल के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य पूर्व आहुति दी। थाना परिसर की साज सज्जा और सुंदरीकरण में अहम भूमिका अदा करने वाले ग्राम चौकीदारों को शाल भेंट कर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने खेड़ागढ़ विधायक महेश गोयल की थाना परिसर की कायाकल्प करने में अहम भूमिका निभाने पर धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि यहां पहले केवल चौकी थी, लेकिन क्षेत्र में पत्र का कारोबार होता था, इसलिए बाहर से आए व्यापारियों का जमावड़ा रहता था, जिसके कारण वर्तमान विधायक महेश गोयल के तव खेड़ागढ़ के पूर्व विधायक रहे बाबूलाल गोयल की पहल पर यहां पर व्यापारियों और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से तत्कालीन एसएसपी विक्रम सिंह के कार्यकाल में थाने का निर्माण कर उन्होंने अपने निजी खर्चे पर बनवाकर पुलिस विभाग को दिया था। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे एसपीआरए डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह ने कहा कि निरीक्षक जगदम्बा सिंह ने क्षेत्र के लोगों के सहयोग से इस थाने के पुनर्निर्माण और सुंदरीकरण का बीड़ा उठाया था, जिस पर उन्होंने काफी कार्य कराया। अब उसी कार्य को प्रभारी निरीक्षक अवन दीक्षित ने पूर्ण कराया, इसलिए विशेष रूप से इनका श्रेय उनको जाता है। साथ ही अवन दीक्षित की प्रशंसा भी की गई। दीक्षित थाना बसई जनेर पर प्रभारी निरीक्षक के रूप में तैनात हूँ। थाना बसई जनेर के भवन का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण जन सहयोग से कराया गया था, जिसका आज दिनांक 22/11/18 को श्रीमान एसएसपी महोदय व माननीय क्षेत्रीय विधायक माननीय महेश गोयल जी द्वारा उद्घाटन किया गया। इसमें सभी लोग उपस्थित हुए। अच्छा काम यहाँ पर सम्मानित नागरिक उनके द्वारा कराया गया थाने में। कुछ फंड्स हमारे पास हमको पीएचपी से भी प्राप्त हुए थे, उनको भी हमने इस्तेमाल किया। इससे थाने को जनता को बेहतर सुविधाएं देने में मदद मिलेगी। क्षेत्र का भी भ्रमण करने का मौका मिला। यहाँ बड़ा सुंदर क्षेत्र है और काफ़ी यहाँ पर मैंने पहाड़ी पत्थर वगैरह देखे हैं। पत्थर का बताया जाता कारोबार भी होता है। आने वाले समय में बसई जगनेर थाने की पुलिस स्थानीय नागरिकों के लिए और कैसे बेहतर सुविधाएं दे पाए, इसके लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने की भी अर्हताएँ पूरी करने की दिशा में कार्य कर रही है। और हमारा यही प्रयास है कि आगरा पुलिस जनता के सहयोग से जनता के हितों की रक्षा करते हुए जनता के लिए काम करे, इसके लिए हम सब प्रभावी रूप से प्रयासरत हैं। और आप लोग भी आए इस आयोजन में, आज थाने में आपने आप भी शामिल है, इसलिए आप सभी का। सर जैसे ही आपका प्रोग्राम यहाँ के लिए लगा, पुलिस महकमे में एक अलग ही चहल पहल देखने को मिली, जिस तरह का पब्लिक रोड SP सर बता रहे थे, पब्लिक ने कहा 10 साल में जो सुविधाएं आज देखने को मिल रही हैं, जो सुधार हुआ हर जगह एक तरफा, क्या ये सिर्फ आज के लिए या ऐसे ही रहेगा? ये सुधार स्थायी रहेगा, सभी ने मुझसे प्रॉमिस भी किया है। मेरा मानना है शहरी क्षेत्र में ही नहीं, गांव और कस्बों में भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। मुझे रास्ते में कुछ जगह कूड़े के ढेर जरूर दिखे, तो उसके लिए भी मैं संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दूंगा कि गाँव कस्बों की सफाई की ओर भी जो है ध्यान दिया जाए थोड़ा सा। और रही बात अवैध डग्गामार वाहन और जो कस्बाई क्षेत्रों में जो मंडी या ठेलों की वजह से अतिक्रमण होता है, तो मेरी इच्छा ये है कि ये इसी प्रकार से स्थायी रहे, और इसके लिए मैंने सभी को सर ये थाना जैसे आगरा का लुआ मंडी थाना आदर्श थानों की श्रेणी में आता है, जैसे ये थाना अपना बॉर्डर का थाना है, तो क्या सर इस तरह का कोई? हाँ, इसीलिए मैंने बताया, तो आदर्श थाना बनाने की तरफ हम प्रयासरत हैं। ISO अगर सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो और भी अच्छा है। हमारे बसई जगनेर थाना जो मेरा गृह गाँव का थाना है, उसका जो सुंदरीकरण और नवीनीकरण हुआ है, कहना है कि इसे आदर्श थाने के जिले के एक आदर्श थाने में इसे रखा जाएगा, और यहाँ के जो कर्मचारी रहेंगे, पुलिस रहेगी, उनका मनोबल अच्छा रहेगा और स्वस्थ मन रहेगा, प्रसन्न रहेंगे, अच्छी चीज़ें देखेंगे, अच्छे वातावरण में रहेंगे, तो लोगों की सेवा अच्छी तरह से कर सकेंगे। आदर्श थाना बनाने के लिए आपकी जो सुविधाएँ मूलभूत हैं वो क्या हैं? आदर्श थाना की साफ हो, सुसज्जित हो, रोशनी हो थाने में, रात को लाइटिंग हो, सेफ्टी हो, हरियाली हो, फरियादी को बैठने की जगह हो, पानी की व्यवस्था हो, थाना अध्यक्ष का कमरा भी ठीक हो। आपके विधानसभा क्षेत्र में और भी थाने आते हैं सर, उनकी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी नहीं है, उस बारे में आपका क्या कहना चाहोगे? उनकी भी होगी ठीक, ये बॉर्डर का थाना है और मैंने यहाँ अपनी तरफ से भी कुछ अच्छा करने की कोशिश की है। क्या किया है सर?
मैंने वाटर कूलर दिए, लाइटिंग की, लाइटिंग लगवाई है, फर्श भी लगवाने की कोशिश की, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मेरी एक आर्थिक स्थितियाँ, मैं मर्यादित हूँ, मैं भी सब कुछ मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जितना कर सकता हूँ। और राधानगर थाने में भी मैंने वाटर कूलर लगवाया, जहाँ भी जैसे भी मेरी एक कैपेसिटी है, क्योंकि निधि से मैं कुछ थानों में नहीं लगा सकता, ये मुझे अपने पास से करना पड़ता है जी। ये क्षेत्र मेरा घर का है, तो यहाँ मेरा मन ज्यादा है, क्योंकि विधायक होने के बाद भी विधायक नहीं रहूंगा, तो मुझे यही रहना है, इसी की सुरक्षा में रहना है। तो सर बाद की व्यवस्था कर रहे हैं आप अभी से? बाद की भी करनी पड़ती है, आदमी जीवन में क्या करेगा। तो सर आपका तो पूरी विधानसभा ही आपका घर है, हर थाना आपका है। मुझे अपने जीवन भी तो सुधारना है, आदमी क्या करता है।